2024 की सियासी जंग की रूपरेखा तैयार हो रही है, जहां मध्य प्रदेश जंग का अखाड़ा बनने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जमीन से एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमले किए, तो वहीं विपक्ष ने भी अपनी पहली साझा रैली के लिए भोपाल को चुना है। मध्य प्रदेश की जमीन 2024 की जंग का कुरुक्षेत्र बनने जा रही है। यहीं से 2024 का चुनावी शंखनाद होने वाला है। यहीं से एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश की जमीन पर उतरे तो इंडिया गठबंधन को टारगेट करना नहीं भूले। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस एनडीए इंडी अलायंस को कुछ लोग गमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। लड़ाई विपक्षी गठबंधन इंडिया नाम पर भी है, जिसे अब सरकार के नेता इंडी गठबंधन का नाम दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन के लिए इंडी शब्द का इस्तेमाल किया, तो वहीं बाकी नेता भी इंडी नाम के साथ हमलावर नजर आए। मैं फिर कह दूं, इंडी आपने कहा, इंडी अलायंस के लिए, तो पिछली बार भी एक महागठबंधन बना था। चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, चेहरे वही हैं। कोई चारा घोटाले से लेकर कोई नेशनल हेराल्ड घोटाले तक, कोई कोल घोटाले से लेकर कोई अंतरिक्ष घोटाले तक, कोई 2G घोटाले से लेकर कोई तीसरे घोटाले तक, ये सब वही चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार से कोई बेल पर है तो कोई जेल काट कर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दौरे से ठीक एक दिन पहले सीईसी की बैठक की थी, जिसमें राज्य में दूसरे चरण की लिस्ट पर मुहर लग चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। उधर विपक्ष ने भी लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश की जमीन को चुना है, जहां भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में एक साझा रैली होने वाली है। द कमिटी डिसाइडेड टू होल्ड जॉइंट पब्लिक मीटिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द फर्स्ट पब्लिक मीटिंग विल बी हेल्ड एट भोपाल इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इन द इश्यू ऑफ राइजिंग प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के मुद्दे तैयार हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर भी मंथन हुआ, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती विपक्षी गठबंधन के सामने आने वाले वक्त में होने वाली है। इंडिया अलायंस की जो रैली होगी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भोपाल में होगी, और ये भी तय किया गया कि सीट शेयरिंग को लेकर के जल्द से जल्द जो है जो भी पार्टी मेंबर्स हैं जल्दी अलायंस के सब लोग जो है इस पे बातचीत जो है शुरू कर देंगे। चर्चा हो ही गई है सीट शेयरिंग के ऊपर, और सीट शेयरिंग पर स्टेट वाइड वहाँ की जो पार्टी है वो बैठ करके जल्दी ही इसको फाइनल करेगी। विपक्ष की बैठकों में एजेंडा सेट किया जा रहा है, मुद्दे तैयार किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के साथ कास्ट सेंसस भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर जो मेंबर पार्टीज हैं वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। दूसरा एक पब्लिक रैली, जॉइंट पब्लिक रैली भोपाल में करने का फैसला लिया गया है, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। और मुख्य तौर पर जो मुद्दे इस रैली में हाईलाइट किए जाएंगे वो रहेंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। बहरहाल 2024 की लड़ाई में बयानबाजी का दौर जारी है, विधानसभा चुनाव इस जंग का सेमीफाइनल है। ऐसे में मध्य प्रदेश में अब जंग का एक बड़ा अखाड़ा बनने वाला है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।